अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ मामा रबाब सी फूड पर, और जहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मछली मिलती है। मछली का सीज़न भी है यहाँ पर, और मछली के साथ राइस मिलते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह है इनकी इन्वेंट्री, समझ लें आप, स्टॉक ये है जिसमें से आपने मछली चूज़ करनी होती है, और मछली चूज़ करके ये देर एंड देन उसको कुक करते हैं, फ्राई करते हैं या बारबेक्यू करके देते हैं। तो आज मेरे ख्याल से ये मछली अच्छी रखी है इनके पास, जो कि कराची में जिसे हम गीसर कहते हैं। ये लॉबस्टर्स हैं, और ये क्रैब्स हैं, और ये श्रिम्प्स, और ये मेरे ख्याल से हीरा है, और बाकी मछलियों के नाम मुझे नहीं पता, तो मैं ये चूज़ करता हूँ। तो ये वाली फ़िश मैं ले रहा हूँ, ये हमने मेजर करवाई तो ये बनी है 0.620, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट? तो यहाँ पे ये फैमिली एरिया है इनका, ऑर्डर हम कर चुके हैं, और ये फैमिली एरिया है, यहाँ बैठते हैं, और ये जो है वो यहाँ पर आप ओपन में भी बैठ सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिक एरिया चाहिए तो आप इस तरह से यहाँ पर ये कर्टन्स लगे हुए, और इसमें भी आप बैठ सकते हैं। एम्बियंस थोड़ा सा जो है वो ओल्ड वाइब्स देता है, मतलब कि जो इनका ओल्ड कल्चर है उस तरह की वाइब्स देता है। और ये देखें छत कैसी बनाई हुई इन्होंने, बिल्कुल बाँसों के ऊपर जो है वो बाँस के ऊपर चटाई डाल के इन्होंने छत बनाई हुई है। बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी विलेज टाइप रेस्टोरेंट या ढाबा रेस्टोरेंट में आए हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया और हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी सी, और थोड़ा स्मोकी सा इन्वायरमेंट है, तो वेट करते हैं हम। जब तक हम वेट कर रहे हैं तो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि सऊदी में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, छोटे से बड़े, वहाँ पर शशके पूरे होते हैं। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर जो छत बनाई हुई है वो चटाइयों से बनाई हुई है, इस तरह बैठने का इंतज़ाम, वाइट कर्टन्स, तो मतलब शशका पूरा है यार। यहाँ रखा हुआ मुझे ये मिला, ये तो खैर इनका शो पीस है, लेकिन मुझे इसने जो एक चीज़ की याद लाई, वो मिलाद में नहीं है, तो मिलाद में तब होने के बाद ये छिड़कते हैं, अरे कि गुलाब छिड़कते हैं। हमारा ऑर्डर आ चुका है, थैंक यू। ये फिश है, ये हुब्स है, और दूसरे सॉसेज हैं, तो अब आपको हम करीब से दिखाते हैं। तो ये फ़िश है जो हमने पूरी फ्राई करवाई है, और यहाँ पर पूरी फ़िश ही फ्राई करते हैं। उसके साथ ये हुब्स है, खाने के लिए गरम गरम हो रही है हुब्स, और ये जो है वो आपको पता है कि प्याज है, और ये इनका ग्रीन सॉस होता है, कुछ स्पेशल सॉस। ये टमाटर की चटनी साथ जो है, ये तहीना है, ये तहीना है, तो खाते हैं अब। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही VIP गरम गरम मछली हो रही है, और टेस्ट लाजवाब है। आई कैंट होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमने तहीना में डिप की, और फिर देखते हैं। ये जिनका तहीना होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आप इस बार डिप करके खाएं, मतलब टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं लूँगा एक पीस फिश का,
ये मैंने लिया, उसके साथ मैंने लिया खुब्स, और इससे मैं टमाटर की चटनी डिप करूँगा, प्याज बहुत डाला, कर लिया है और मछली गायब हो चुकी है। हमने मंत्र पढ़ा और मछली गायब हो गई, सिर्फ मछली का मुंह और उसके कांटे बचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खाना था और बहुत मज़ा आया, और खाना ख़त्म हो चुका है। रेस्टोरेंट का नाम है मामा रबाब, और ये मौजूद है खुबर में 19th Street पे। कभी आप यहाँ से गुजरो तो ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।